Hello kids, today we are going to start with chapter number 27 in English grammar, who, why, where, what, which, when. So let me explain these with some of the examples and where we use. Let's see. It is Lion's birthday party. All the animals have come together and are having fun. अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या दिखा रहे हैं कि लॉयन अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा है ओके और ऑल एनिमल्स मतलब सभी एनिमल्स क्या कर रहे हैं एक साथ हैं और मस्ती मजा कर रहे हैं. अब फर्स्ट जो है आप देखेंगे इस बॉक्स में डायलॉग बॉक्स में हैप्पी बर्थडे लायन किंग उसने उसको लायन किंग को मंकी ने विश किया. थैंक यू व्हाट डू यू प्लान टू डू टुडे. अब लायन उसको बोलता है व्हाट व्हाट मतलब क्या आज तुम क्या प्लान कर रहे हो पार्टी के लिए है ना. प्लान टू डू टुडे मतलब तुम क्या करोगे आज. नेक्स्ट वी प्लान टू हैव अ पार्टी और उसने क्या बोला वी प्लान मतलब हम प्लान करेंगे कि हम पार्टी करेंगे आज. लायन वेयर आर द गेस्ट. अब उसने पूछा कि गेस्ट कहाँ पर है. वेयर मतलब कहाँ पर हैं. विच गेम्स कौन कौन से गेम्स हैव यू प्लान फॉर द पार्टी. सो उसने पूछा कौन कौन से गेम तुमने प्लान किए हैं और पार्टी के लिए कौन से प्लान किए थे. वी हैव प्लान्ड द गेम ऑफ म्यूजिक म्यूजिकल चेयर्स फॉर द पार्टी. सो मंकी बोलता है कि मैंने हमने प्लान किए थे हम म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे है ना. हम म्यूजिकल चेयर खेलेंगे पार्टी के में ओके. वेयर गोइंग टू गेट हु इज गोइंग टू गेट माई केक. वैन डू आई कट इट. सो हु मतलब कौन. हु इज गोइंग टू गेट माई केक कौन लेने जा रहा है मेरे केक को. देन वैन डू आई कट इट. वैन मतलब कब मैं उसे कट करूँगा. सुन उसके बाद में एक बैर बैठा होता है और बोलता है मिस पैरट विल गेट योर केक. मिस पैरट जो है वो तुम्हारा केक लेकर आएगी. देन रैबिट बोलता है यू विल कट इट व्हेन एवरीवन कम्स. तुम जब कट करोगे कब कट करोगे जब सब लोग आ जाएंगे. हु व्हाट वेयर व्हेन एंड व्हिच आर क्वेश्चन वर्ड्स. स्टूडेंट्स ये सारे क्या वर्ड्स हैं बेटा. क्वेश्चन वर्ड्स हैं. वी यूज़ देम टू आस्क क्वेश्चंस. और हम इनको कब यूज़ करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चंस क्वेश्चन पूछना होता है ना. हु व्हाट वेयर व्हिच व्हेन व्हाई ओके. सो कैसे यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करना है और एग्जांपल क्या है. फर्स्ट वन व्हाट. Asking about a thing. अगर हम किसी भी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट इज़ योर फेवरेट कलर. तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है. सो वॉट वी आर गोइंग टू यूज़ वॉट ठीक है ना. वॉट मतलब क्या. वैन आस्किंग अबाउट अ टाइम और एन इवेंट और एक्टिविटी. जब हम किसी टाइम के बारे में या कोई भी इवेंट या एक्टिविटी के बारे में बच्चों बात करते हैं we are going to use when okay. कब. when do you wake up every day. तुम कब उठते हो हर दिन okay. now next where. asking about a place. where मतलब कहाँ पर okay. so अगर हम किसी भी जगह की बात करते हैं कि कोई चीज़ रखी हुई है या कितना वक्त कहाँ पे जाना है पोजीशन है ठीक है. सो वॉट वी आर गोइंग टू यूज स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू यूज वेयर. वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक्स. मैं कहाँ से बुक्स ले सकता हूँ. हु
आस्किंग अबाउट अ पर्सन सब्जेक्ट, ओके। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किसी भी पर्सन के बारे में बात करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हु, ओके। हु इज एट द डोर, डोर पर कौन है, ओके। विच, आस्किंग अबाउट एन ऑप्शन और चॉइस। विच मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर ऑप्शन लेते हैं या चॉइस हमारे पास है, ठीक है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, विच। हु का मतलब क्या होता है, कौन। विच का मतलब होता है कि आप, विच इज़, फॉर एग्जांपल, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। विच मतलब कौन सी सिटी है जो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सो कौन सी, ओके। सो व्हाट मतलब क्या, व्हेन, कब, वेयर मतलब कहाँ पर, हु मतलब कौन, एंड विच मतलब कहाँ पर, ओके। जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, हु, अ पर्सन, एनिमल और क्रिएचर। अगर हम किसी भी एनिमल, क्रिएचर या किसी के बारे में बात करेंगे, सो वी यूज हु। What? A thing or an action, ठीक है ना। अगर what, for example, what are you doing, okay? कोई भी action कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो हम क्या बोलेंगे, what? Where? Where मतलब कहाँ पर है, where is your school, where is your home, okay? So we use where. Which, asking about choice, कि which frog do you like, pink or green? So when we are asking about choice, we use which. When, when मतलब अगर हम टाइम के लिए या दिन के बारे में बात कर रहे हैं, when, when you are coming to home, okay? When you are coming to home, when do you go to school, okay? So these kind of examples, okay? When यहाँ पर हम यूज करेंगे। Thank you so much. If you face any difficulty, you may ask in the WhatsApp group. Okay, bye bye, take care.